ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और देखिए, ओलंपिक्स की शुरुआत हो चुकी है। ओलंपिक्स पर हर किसी की निगाहें हैं क्योंकि भारत के तरफ से 117 एथलीट्स इस वक्त अपना दमखम दिखाने के लिए अलग अलग मैचों में अपना प्रदर्शन देंगे। लेकिन इस बीच हम आपको ये जानकारी दे दें कि कैसे हॉकी को लेकर के बेहद अच्छी खबर सामने आई है। ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। रोचक मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है। और साथ ही साथ ये हम आपको जानकारी दे दें कि रोचक मुकाबले के तहत में भारत ने न्यूजीलैंड को जिस तरीके से हराया और ये मैच अपने नाम किया न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 से दर्ज की जीत। तो हरमनप्रीत सिंह ने शानदार विनिंग गोल दागा है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने हॉकी में शानदार शुरुआत की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज की। भारतीय टीम के लिए मनदीप सिंह, विवेक प्रसाद सागर और हरमनप्रीत सिंह ने गोल किए थे। तो वहीं न्यूजीलैंड के लिए सैम लेन और चाइल्ड साइमन ने गोल किया। बता दें कि भारत का अगला मुकाबला कल अर्जेंटीना के साथ में होना है, लेकिन उसके लिए भी भारतीय मेंस हॉकी टीम पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है क्योंकि पहले से ही जिस तरीके का अब तक प्रदर्शन देती आई है भारतीय टीम। आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक का वो समय जब 20 सालों का सूखा भारतीय मेंस हॉकी टीम ने खत्म किया था और कैसे शानदार जीत दर्ज करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो देखिए, किसने कब दागा गोल इस बात की जानकारी सबसे पहले आपको बता देते हैं। मनदीप सिंह, जो कि भारत की तरफ से 24वें मिनट में उन्होंने गोल दागा। तो वहीं विवेक प्रसाद सागर ने भारत की ओर से 34वें मिनट में गोल दागने का काम किया। हरमनप्रीत सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए 59वें मिनट में गोल दागा है। और वहीं सैम लेन, जो कि न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा रहे, उनके ओर से 8वें मिनट में गोल दागा गया था। चाइल्ड साइमन, न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा, 93 मिनट में उनके ओर से गोल दागा गया था। लेकिन भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और जिसके तर्ज पर भारत को ये शानदार जीत मिली है। और शानदार आगाज इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक ओर जहां हॉकी को लेकर के जिस तरीके से लोगों में क्रेज बना रहता है, हम ये जरूर जानते हैं, हम ये जरूर देखते आते हैं कि भारत में क्रिकेट को लेकर के कैसी लोकप्रियता रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हॉकी की बात की जाए तो क्रिकेट लवर्स हॉकी भी देखना उसी अंदाज में पसंद करते हैं। और हॉकी का इंतजार जिस तरीके से लंबे समय से किया जा रहा था कि कब एक दोबारा से हमें मौका मिले कि जीत का जश्न हम मना सके। और आप देखिए, टोक्यो ओलंपिक के बाद से जब पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हुई तो इस पेरिस ओलंपिक में शानदार जीत से शुरुआत की है इंडियन मेंस हॉकी टीम ने। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से आदित्य झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपसे सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे इस मैच को लेकर कि कितना शानदार शुरुआत है, इसे आप कहेंगे? जी बिल्कुल, भारत की ये बहुत ही शानदार शुरुआत है क्योंकि जब हम हॉकी की बात करते हैं, हॉकी की एक बहुत ही ग्लोरिफाइड हिस्ट्री रही है इंडिया की। जब मेजर ध्यानचंद की हम बात करते हैं, धनराज पिल्ले साहब की बात करते हैं, तो इंडिया हॉकी में हमेशा से डोमिनेंट फोर्स रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से भारतीय हॉकी की हालत लगातार खराब होती चली गई, भारतीय हॉकी धरातल पर चला गया। और उसके बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं इंडिया कमबैक करते हुए दिखाई दे रहा है। उड़ीसा समेत कई भारतीय राज्यों ने हॉकी को प्राथमिकता दी और आज भारत फिर से मेडल्स जीतने की कंडीशन में। टोक्यो में भी भारत ने ब्रॉन्ज जीता था, जिसके बाद एक बड़ी खबर आई थी क्योंकि इंडिया कई सालों के बाद कोई एक मेडल जीतने में सफल रहा था। और एक बार फिर से पिछले 4 सालों में भारत लगातार तैयारी कर रहा है एक और मेडल जीतने की। और जिस तरीके से पहला मुकाबला न्यूजीलैंड को हराया है भारत ने, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से पुख्ता करता है कि भारत की तैयारी पूरी है और भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर एक बार फिर से आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि स्वर्णिम दौर आपने कहा आदित्य, तो टोक्यो ओलंपिक में भी हमने देखा था कि 20 सालों का समय जरूर लगा था भारतीय टीम को, लेकिन उस सूखे को समाप्त किया था इस शानदार टीम ने। और एक बार फिर से इसी शानदार टीम के साथ में पेरिस ओलंपिक में जब हमारे भारतीय मेंस हॉकी टीम ने कदम रखा तो शुरुआत बेहद शानदार साबित हुई है। क्या उम्मीद हम लगा सकते हैं इस बार भी इस टीम के प्रदर्शन को देखते हुए कि शुरुआत अगर शानदार हुई है तो अंत भी इसी तरीके का शानदार रहेगा और पदक इस बार कांस्य से बदलकर रजत या स्वर्ण में जरूर बदलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड से अगर हम मुकाबले को देखें तो पहले भारत पिछड़ रही थी और भारत का डिफेंस हमेशा से स्ट्रांग रहा है और अटैक पे हमेशा से सवाल या निशान खड़े होते रहे। लेकिन कल भारतीय अटैक ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, लॉन्ग पासेस किए, एयर पासेस किए
और वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिखा रहा था कि कंप्लीट परफॉर्मेंस टीम का है, सारे खिलाड़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे गोलकीपर सीजेस ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। तो ये सारे जो प्रदर्शन रहे सारे खिलाड़ियों के, ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि भारतीय टीम पूरी तरह तैयार है। आगे हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम जैसी स्ट्रांग टीम से भी है, लेकिन न्यूजीलैंड को जिस तरीके से हमने हराया है तो कहीं ना कहीं इन दोनों टीमों को भी हम हराने में सफल रहेंगे, और भारत निसंदेह ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड में से कोई ना कोई मेडल तो जरूर लेके आएगा। ठीक है आदित्य, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए आदित्य इस बात की जानकारी दे रहे थे कि कल जब अर्जेंटीना के साथ में मैच होगा भारतीय मेंस हॉकी टीम का, तो फिर ऐसे में उनसे ये उम्मीद है कि अगर जिस तरीके से पटखनी न्यूजीलैंड को देने की तैयारी हमने देखी, तो वहीं दूसरी तरफ अब अर्जेंटीना के सामने जब यही मेंस हॉकी टीम सामने आएगी तो उन्हें भी चारों खाने चित करने का काम ये टीम करती हुई नजर आएगी। और इस बीच मनु भाकर ने शानदार शुरुआत की है। भाकर ने खत्म किया दो दशक का सूखा, क्योंकि 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल तक पहुंच चुकी है मनु भाकर। भाकर ने 20 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया है। मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंच चुकी हैं और क्वालिफिकेशन राउंड में उनके असाधारण प्रदर्शन में 20 साल के इंतजार को खत्म कर दिया है। सुमा शिरूर जो एथेंस 2004 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची थी, वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में क्वालिफिकेशन राउंड में जगह बनाने वाली आखिरी भारतीय महिला निशानेबाज थी। और बीजिंग, लंदन, रियो और टोक्यो में कोई भी भारतीय महिला निशानेबाज फाइनल में पहुंचने में सफल नहीं हो पाई थी। तो वहीं बात अगर हम बैडमिंटन खेल की करें तो फिर बैडमिंटन में भारत का लाजवाब प्रदर्शन रहा है और लक्ष्य सेन ने जीत के साथ ही शुरुआत की है। ग्वाटेमाला के केविन कॉटन को हराया है लक्ष्य सेन ने। पेरिस 2024 ओलंपिक में शानदार शुरुआत करते हुए ग्वाटेमाला के केविन कॉटन को सीधे गेम से हरा दिया है। और पुरुष एकल टूर्नामेंट में ग्रुप एल मैच में सेन ने 42 मिनट तक चले मुकाबले में 21-8 22-20 से कॉटन को हराया है। सेन ने पहला गेम केवल 14 मिनट में 21-8 से जीत करके शानदार शुरुआत की। कॉटन ने वापसी करने का प्रयास भी किया लेकिन सेन उनके ऊपर हावी रहे। दूसरे गेम में भी शानदार बढ़त ली। 22 वर्षीय भारतीय ने लगातार 6 अंक जीत करके मैच अपने नाम कर लिया। तो ये देखिए इससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा इस वक्त बना हुआ है। और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ही बता देते हैं कि भारत का आज किन खेलों में मुकाबला है और भारतीय एथलीट्स आपको कब कब दिखेंगे। तो ये देखिए बैडमिंटन की बात करें तो प्रणय एचएस वर्सेस फैबियन के साथ में मैच होगा जर्मनी में दोपहर 2 बजकर वो जर्मनी की तरफ से खेलेंगे दोपहर 2:30 बजे ये समय बताया जा रहा है। पीवी सिंधु वर्सेस अब्दुल रजाक जो मालदीव की तरफ से खेलेंगे दोपहर 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है। 12:50 माफ कीजिएगा। मेंस डबल ग्रुप स्टेज दोपहर 12:50 पर, विमेंस डबल ग्रुप स्टेज दोपहर 1:40 पर। हालांकि ये समय हम आपको भारत अनुसार बता रहे हैं लेकिन पेरिस में ये समय बदल जाता है। और वहीं बैडमिंटन के साथ साथ में जिस तरीके से हम इन खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं तो इन खिलाड़ियों पर हर किसी की नजर रहने वाली है। खासतौर पर पीवी सिंधु से इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि अब तक पीवी सिंधु ने जिस तरीके से 2 बार का शानदार परफॉर्मेंस दिया है और इस बार भी उम्मीद है। वहीं शूटिंग की बात करें तो 10 मीटर एलोवेनिल वॉलरिन और रमिता जिंदल भी इस बार अपने बेहतरीन प्रदर्शन को दिखाएंगे। और साथ ही इस बार मनु भाकर पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि शूटिंग में जिस तरीके से महारत उन्होंने हासिल की हुई है और अब तक का जो इनका उनका अगर आप इतिहास भी देखते हैं तो उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से अब तक कई मेडल्स उनके नाम रहे हैं ऐसे में इस बार पेरिस ओलंपिक में भी उम्मीद जताई जा रही है। बॉक्सिंग और तीरंदाजी का अगर हम जिक्र करते हैं तो विमेंस 50 किलोग्राम राउंड ऑफ 32 निखत जरीन 3:50 पर आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। तो वहीं तीरंदाजी विमेंस टीम एलिमिनेशन राउंड होगा आज और ये राउंड होगा दोपहर 1 बजे अंकिता भक्त भजन कौर और दीपिका कुमारी शाम 5:45 से आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे खेल खेलते हुए। और वहीं टेबल टेनिस और रोइंग की बात करें तो रोइंग में बलराज पवार दोपहर 1:06 पर ये इस खेल में उतरेंगे। टेबल टेनिस के लिए शरद कमल का नाम सामने आ रहा है। शरद कमल की भी अगर हम बात करें तो शरद कमल का भी शानदार प्रदर्शन टेनिस टेबल में हमने इससे पहले भी देखा है और उनके नाम अब तक कई पदक है।
और इसी को लेकर के ये माना जा रहा है कि इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा ओलंपिक में जरूर देखने को मिलेगा और इस बार भी कई पदक देश में वापस लौट करके आने वाले हैं। तो फिलहाल हर किसी का इंतजार है कि कितने पदक भारत के नाम आते हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है और शुरुआत शानदार हुई है। इसी के साथ ही आ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।